हालांकि तब और की दूसरी प्लेट में कुछ क्रूड का उछाल वो सब आ जाएगा नजर उस पर आऊंगा आगे ये दिखाई दीजिए सबका सब, सब समीकरण जो बैठ रहे हैं क्योंकि हम नीरजी से बातचीत करनी है तो इसको भी पर्सपेक्टिव पे रखने की जरूरत होगी क्रूड का स्पाइक वगैरह नीरज जी गुड मॉर्निंग कैसा रहा दो दिन मूड कैसा है हमारे लिए क्या क्यूज है मूड अच्छा है आ, क्यूज अच्छे हैं हाँ? एक चाइना वाला थोड़ा ट्रिकी है वो मैं बताऊंगा आपको लेकिन पहले यूएस समझते हैं हाँ यूएस में दो तीन चीज़ें आनी थी हम तो लोग लास्ट वीक वेट कर देख तो जी डी बी का नंबर आया है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है हालांकि एनोलाइज बेसिस पे देखें तो नाइन परसेंट के आसपास है लेकिन थर्ड क्वार्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर आया फिर भी जो फेड का एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा कम है ये अच्छी, अच्छी बात अच्छी बात टू पॉइंट सिक्स उनका अनुमान था टू पॉइंट फाइव आया लेकिन क्यू थ्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है हालांकि ये फर्स्ट एस्टिमेट है अभी फाइनल दो एस्टिमेट और आने तो मे भी एडजस्ट हो जाएगा पी सी इंडेक्स जो बहुत गौर से फेड वाले देखते हैं वो थोड़ा सा बढ़ के है पॉइंट टू परसेंट बढ़ा लेकिन पॉइंट वन परसेंट एक्सपेक्टेशन था बहुत चिंता की बात नहीं क्योंकि अभी भी तीन परसेंट से नीचे इन्फ्लेशन है तो वहाँ से भी कोई कंसर्न नहीं है तो फेड के रेट कट वाली जो थ्योरी है वो इंटैक्ट है उस पर कोई दिक्कत नहीं आ रही ये दोनों नंबर देखने के बाद बाकी वहाँ पर जो पर्सनल कंजम्शन के अलावा पर्सनल स्पेंडिंग जो का नंबर एक आता है वहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग नंबर आया है लोग बहुत खर्चा करें मे भी हो सकता है उसमें ये क्रिसमस वगैरह था तो उसकी वो डेटा आ गया हो तो यू का मार्केट इन बड़े इकनॉमिक नंबर को लेकर के रेस्पाइट हुआ कोई दिक्कत नहीं कोई चिंता नहीं इनको उसने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया है रिएक्ट किस पे पर लगातार तेज़ी चल रही थी नतीजों पे इंटेल के रिजल्ट्स में जो गाइडेंस दिया गया है वो कमज़ोर गाइडेंस है स्टॉक की अच्छी धुनाई हुई है स्टॉक करीब ग्यारह परसेंट नीचे गिरा टेस्ला भी बारह परसेंट गिरा चूँकि हम लोग फ्राइडे को बंद थे टेस्ला थर्सडे को गिरा था नंद नतीजों के बाद से और फ्राइडे को फ्लैट था रिकवर करने की कोशिश कर रहा था इस तरह से जो नंबर आए आई वाले उसकी वजह से आप देखेंगे नेसडेक नीचे गया और एस भी जो लगातार बढ़ रहा था छः दिन से उसमें रोक लगी लेकिन आ, इंडेक्स को देख करके कोई व्यू मत बत नंबर बहुत स्ट्रांग है मार्केट बहुत स्ट्रांग है ब्रॉडर मार्केट में बहुत बड़ी तेजी है कोई दिक्कत हमें नहीं रखती अब दो फैक्टर इधर क्रूड और चाइना क्रूड में क्या हुआ कि एक पहली बार हुआ कि रशियन वेसल पे अटैक किया है होती ने वो एक दिक्कत की बात थी बहुत सिग्निफिकेंट है इसलिए क्रूड में एक जंप आया बहुत तेज जंप आया थोड़ा बहुत इससे भी सपोर्ट मिला कि यूएस के नंबर काफ़ी अच्छे इकनॉमी के तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है तो क्रूड में एक चंप आ गया तिरासी चौरासी डॉलर के आसपास क्रूड आ गया लेकिन देखते कितने देर सस्टेन करता हालांकि होती वाला मामला रुक नहीं रहा मुझे लगता कोई तो बड़ी कार्रवाई की जरूरत है वहाँ पर तो हो सकता है वो कार्रवाई हो भी जाए चीन में मैं आपसे जो कह रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चीन ने शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा दी है तो बड़े प्लेयर शॉर्ट सेल नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा चाइनीज़ मार्केट को सपोर्ट मिलेगा वैसे भी एम में वो सत्ताईस अट्ठाईस तीस परसेंट कितना गिर चुका है अब अगर चाइना स्ट्रांग होगा ना तो ये थे मान के चलिए आपकी इंडिया से पैसा उधर शिफ्ट होगा चाइना बहुत अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है इस समय बड़े प्लेयर्स के लिए इसलिए भी यहाँ बेच के लोग चाइना पैसे लगाएंगे तो अब इंडियन वाले इसको एनालाइज करें कि उनको पॉजिटिव मानते हैं कि नेगेटिव ओवरऑल तो पॉजिटिव लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है शॉर्ट सेलिंग पर आरोप लगाना नहीं लेकिन अच्छी बात है दोनों को समझ में आएगा कि वहाँ पे बेवकूफ़ बना है सब कुछ हाँ ये ये तो है लॉन्ग टर्म के लिए हमारे अभी मस्ती कर लो आप लेकिन इवेंचुअली इस तरह के अड़चने

फरवरी सीरीज का आगाज हो रहा है तो हिस्टोरिकली फरवरी सीरीज कैसी रही है अगर जनवरी वोलेटाइल और दिक्कत वाली रही है तो फरवरी से ऐसा कोई रिस्पाइट एक्सपेक्ट मत करिए ये हिस्ट्री कहती है इस बार समीकरण बदल सकते हैं ये तो मार्केट लास्ट वीक ले आए फरवरी सीरीज का डेटा कहां है पिछले पांच बार की हिस्टोरिकली फरवरी की परफॉर्मेंस प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे तो आपको समझ में आएगा क्या हाँ ये देखिए ये बड़े मूव्स और पांच में से चार बार तो गड़बड़ा है मामला ये फर, अब ये और होती हुई इंपॉर्टेंट है बजट वजट सब इसमें फैक्टर इस बार तो इंटरम है पर ध्यान देखिए इंटरम भी इंपॉर्टेंट है वोट ऑन तो अकाउंट नहीं है इंटरम बजट है इसीलिए उसकी अहमियत और भी ज्यादा है तो अगला बार ग्रीन होना चाहिए दो एक दो एक हाँ और बड़ा वाला हो सकता है फिर तो जनवरी का हमने नहीं दिखाया जनवरी में जो बनाते हो हर बार वो वाला कैसा था कल दिखा देता हूँ लिखा हुआ है बना नहीं हुआ है ठीक है यह है जनवरी हिस्टोरिकली फरवरी हिस्ट्री म्यूचुअल फंड के डिस्कलेमर हिस्ट्री से कोई लेने आगेगा हो सकता है तो <laughs> फिर हरा वैसे आपका सही है दो एक दो एक तो बन सकता है अब इंट्रीम बजट है इलेक्शन से पहले बड़ी रैली हो सकती है फरवरी में तब तो इंटरेस्टिंग है लेकिन समीकरण बिगड़े हुए भाई साहब वीरु के पास जाओ उससे पहले पिछला हफ्ता वो जो आपने पिछला हफ्ता का डेटा स्क्रीन रखा था स्क्रीन पे बहुत छोटा कारोबारी वीक मंडे और फ्राइडे मार्केट हॉलीडे सिर्फ तीन दिन काम का और इन तीन दिनों में निफ्टी एक परसेंट दबाव निफ्टी बैंक ढाई परसेंट दबाव एफ ने कैश में बारह हजार दो सौ करोड़ रुपए की बिकवाली करी रिलेंटलीस सेलिंग एफ की कंटिन्यू होती हुई और इनफैक्ट ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में दबाव था इससे प्रीवियस वीक डेढ़ परसेंट कमजोर उसके बाद फिर वीक ऑन वीक एक परसेंट के आसपास का दबाव तो मूड तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है बियर्स लग रहा है कंट्रोल में किसी भी उछाल में बिकवाली का प्रेशर हावी होता चले जा रहा है